बता रहे हैं कि ये अभी हमको ठीक से इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे आपको बता दें ये महिलाओं के बारे में जो आप मणिपुर की बात कर रहे हैं ये तो सर्वसाधारण वाली घटना है और इसकी जितना भी निंदा किया जाए कम है। और देखिए उन लोगों की बात, जबकि वहाँ पे भाजपा की सरकार है और वो तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर देते हैं, लेकिन आपकी बिल्किस वाला कांड को देख लीजिए, जो उस तरह का कैसा माहौल था उसको महिमा मंडित करने का काम किया। तो इन लोग की बोलते कुछ है, चरित्र और चित्र में कोई मतलब अलग अलग का बोल रहता है, उन लोग का बोलना बोलेंगे कुछ, काम करेंगे कुछ। और इस तरह की घटना अगर हो रही है तो वो समझिए कितना निंदनीय बात है। और जब देखिए वही दूसरे स्टेट में होता है तो सबके सब लोग बौखला जाते हैं, लेकिन जब उन्हीं की सरकार वहाँ चल रही तो उसको तो संज्ञान में लेना ही चाहिए कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है। एक और सवाल है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आप हैं, पटना में देखा जा रहा है कि जो नया सिस्टम लगा है उससे एक ही जगह पे एक ही लोग कई बार चलान कट जा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं एक जगह पर चलान जो है कट जा रहा है। देखिए जो एक्सीडेंट दर ज्यादा हुआ है आप लोग भी जान रहे हैं इस बात को, तो देखिए ये तो नियंत्रण करने का एक तरीका है, क्या करेगा आप बता दीजिए। हमारे लोग को समझना चाहिए, ट्रैफिक रूल को भी मानना चाहिए, बहुत लोग नहीं समझ पाते तो कभी कभी आदमी को थोड़ा सख्त होना पड़ता है, इस वजह से भी किया होगा ताकि लोग डरे और हेलमेट लगा के चले। देखिए हेलमेट लगा करके चलते हैं तो आपकी जान की हिफाजत होता है, हम लोग चाहते हैं कि लोग कम से कम देखिए एक व्यक्ति का भी अगर किसी घर में कोई घटना होता है आप बताइए उस व्यक्ति के घर का रीड हिल जाता है, वो वास्तविक रूप से आर्थिक रूप से मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है उसका परिवार। तो उसको ठीक करने के लिए अगर इस तरह की बात है तो उसे हम देखवा लेते हैं क्या मामला है। समीक्षा की जरूरत है। हाँ हाँ तो हम इसको देखवा लेते हैं। देखिए जो चीज़ आप सवाल कर रहे हैं तो उस पर जो अगर मान लीजिए नियम नहीं है तो उस पर इस तरह का अगर कोई कंप्लेंट पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई। कई प्रशासनिक महकमे के अधिकारी हैं, उनके भी गाड़ियों में आगे और पीछे दोनों ही तरफ जो है बम्पर लगे होते हैं, तो क्या वैसी गाड़ियों का भी अब चलान कटेगा क्योंकि नियम तो सभी के लिए? नहीं, नियम आपका सही कहना है कि नियम ऐसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है। अगर उस तरह की बात है तो इस पर हम लोग विचार करेंगे, बैठक करेंगे सब। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।